So hi, today we will review the paper of CHSL 2023 and frankly speaking, ये पेपर CGL 2023 से टफ था. So कुछ नए पैटर्न क्वेश्चन पूछे गए थे, so हम उसे देख लेंगे एक बार. और नए पैटर्न में क्या, वो ओल्डर क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिफाइंड वे में थोड़ा पूछे थे, so उन्हीं को अब हम देख लेंगे एक बार. So चलिए आगे बढ़ते हैं. और मैंने बहुत सारे ट्रिक्स करा रखे हैं यहाँ पर, कोल्ड करंट के ट्रिक्स, फिलोसफी एंड फाउंडर के ट्रिक्स, भक्ति मूवमेंट पे, और कुछ ट्रिक्स और डाले जाएंगे लेटर मुगल्स के भी. सो और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 600 करंट अफेयर्स नवंबर से जुलाई तक का डाला गया है सिर्फ 2 घंटे में. आप इसे रिवाइज कर सकते हैं या आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल होगा. तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं. सो पहले रीजनिंग का देख लेते हैं हम लोग. सो रीजनिंग में सबसे पहले CGL में कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का नहीं था. इस बार किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन कैलेंडर का आ रहा था. मेरे शिफ्ट में भी आया था. सो आप कैलेंडर क्वेश्चन देख कर जाएंगे. ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा और लड़कों से. और कुछ नए क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में. सो बीच बीच में गैप था यहाँ पर. और इसमें क्या था ना कि जैसे फर्स्ट वर्ड है तो इसका चेंज हो रहा था, जैसे ए से सी, फिर डी से एफ, एफ से एच. तो ये पैटर्न खोजने में समय लग रहा था, बट डुएबल था. किसी में 1 मिनट, किसी में 2 मिनट, इस तरह से लगभग 3 क्वेश्चन थे. और अगर आप टेस्ट बुक में रीजनिंग को 13 से 14 मिनट कर लेते थे तो आप समझ लीजिए कि वहां पर आपको 17 से 18 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग लिटिल बिट लेंदी और थोड़ा सा टफ आ रहा है. और उसके बाद हम कुछ ऑड वन आउट देख लेते हैं. मेरे शिफ्ट में जो पैटर्न बन रहा था वो वैल्यू इंटू 5 माइनस 3, कुछ शिफ्ट में वैल्यू इंटू 3 माइनस 5, किसी में +3, किसी में -5 बन रहा था, इस तरह का पैटर्न. तो आप एक बार ना पैटर्न को देख कर जाएंगे, क्योंकि जो पैटर्न एक बार जो पूछा जाता है ना, पूरे दिन भर शिफ्ट में पैटर्न वही चलता है, उसी के अनुसार आगे पीछे होता रहता है वैल्यू चेंज होकर. और कुछ न्यूमेरिकल ऑड वन आउट था फाइंड करना था. तो मेरे में जो शिफ्ट में बन रहा था वो n2=n3+n1×5 बन रहा था. किसी में इंटू 3 बन रहा था, किसी में माइनस होके इंटू 3 हो रहा था, किसी में माइनस होके इंटू 5 हो रहा था. सो आप इसे देख लेंगे एक बार. मिरर इमेज क्वेश्चन आसान था. कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टफ था. इसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 का तो सॉल्व हो जा रहा था, बट तीसरे में क्या था, वॉवेल नेक्स्ट जा रहा था और वर्ड उल्टा हो रहा था. ठीक है, कॉन्सोनेंट भी नेक्स्ट जा रहा था, वॉवेल भी पीछे आ रहा था और वर्ड भी उल्टा हो जा रहा था. तो अब ये कोडिंग डिकोडिंग पहचाने में थोड़ा सा वहां पर दिक्कत होगा. तो आप एक बार पैटर्न को देख कर जाएंगे वॉवेल्स चेंजिंग का भी. और सीरीज कंप्लीशन ये आसान था. इसमें सीरीज में से जैसे क्या था, उसका जो गैप बन रहा था वो 2² - 1² 3² - 2² कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो स्क्वायर का डिफरेंस बन रहा था. तो आप इसको सीरीज को ध्यान में रखेंगे, वरना अगर आ जाएगा 3 इस तरह से तो आप पहचान नहीं पाएंगे 3, 23 इस तरह का. तो आप क्यूब और स्क्वायर दोनों देख कर जाएंगे. और जनरल स्टडी की बात कर लेते हैं. लिटरली ये क्वेश्चन देखकर दिमाग खराब हो गया. इंडिया वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन वन डे सीरीज विथाउट एनी विकेट. मतलब आप सीरीज देख के भी जाएंगे ना फिर भी याद नहीं होगा कि कौन सा मैच था, कितने विकेट जीता था. ऑप्शन था 2, 4, 6, 8. आप लगा लो दिमाग क्या करना है इसमें. सो 2011 से पद्मभूषण से क्वेश्चन पूछा गया था. इसमें 4 एक्ट्रेस का नाम दिया था, जैसे रेखा, हेमा मालिनी, इस तरह का. तो आप पद्मभूषण को थोड़ा सा देख कर जाएंगे एक्ट्रेस और डांसर्स का. उसके बाद स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, मेनली फुटबॉल और कबड्डी एक बार आप जोर देख लेंगे, क्योंकि फुटबॉल कबड्डी से पूछा जा रहा था ज़्यादा. फुटबॉल और कबड्डी से मेरे शिफ्ट में भी था और नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में भी फुटबॉल कबड्डी से ही था. तो आप इन दोनों में देखे जाएंगे. क्रिकेट और से जनरली पूछा नहीं जा रहा, तो फुटबॉल कबड्डी का सारा टेक्नोलॉजी 5, 5, 6, 6 है, वो आप देखे जाएंगे. और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा ही अल्टर पूछा जा रहा था. जनरली ये इकोनॉमिक्स में लगभग 4 से 5 स्टेटमेंट पूछा जा रहा था. और ऑप्शन था 1, 2, 1, 2, 3, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इस तरह का क्वेश्चन. और GDP, GNP, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, एक्सिम बैंक, इंपोर्ट इफेक्ट, एक्सपोर्ट इफेक्ट, डेप्रिसिएशन, इन सब टर्मिनोलॉजी पे था. तो आप देख कर जाएंगे. इसे इकोनॉमी का क्वेश्चन आसान तो नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऑटोमेटिकली थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन आसान होने के बाद भी. और टर्म को वो बहुत ज़्यादा रिफाइन करके दे रहे थे, तो आपको उस पर देखना पड़ेगा. ठीक है, और करेंट जनवरी तक आ रहा था. तो आप एक बार उस सीरीज को भी देख लेंगे, 2 घंटे का है. आप चाहें तो उसे आपका आगे का जो भी शिफ्ट है उसे हो जाएगा करंट अफेयर से. चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ. मैथ्स में जनरली ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, और मैं आपको सही बताऊं तो 4 शिफ्ट में सबसे आसान मैथ्स ही था. आप 20 से 22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं मैथ में. कुछ क्वेश्चन था जो ट्रिकी था और लेंदी था, टफ क्वेश्चन नहीं था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. सो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन था वो देख लेने के बाद, ट्रेडिशनल क्वेश्चन 17 से 18 थे जो कि बहुत ईजिली डुएबल थे. और आर्क लेंथ, जैसे मान लीजिए अगर 75 डिग्री दिया हुआ है तो इसका माइनर आर्क लेंथ क्या होगा, क्वेश्चन आसान था. रेडियस दिया हुआ था, ये सब क्वेश्चन आसान थे. और एक क्वेश्चन था लीडिंग वाला, कि ए ने बी को 500 मीटर का लीड दिया 5 किलोमीटर की रेस में, और ए का स्पीड दिया हुआ है तो बी की स्पीड क्या होगी.
ट्रेडिशनल क्वेश्चन था बट फ्रैक्शन में ऑप्शंस था, फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो आप इसे एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे इस पे। और एसआई की बात कर लेते हैं, कैलकुलेटिव था। जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन की, जो मेरे शिफ्ट में था, मान लीजिए ए ने बी से 7 अप्रैल 2022 को रुपया लिया कुछ पी अमाउंट, तो 23 जुलाई को वो कितना एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो आपको डेट कैलकुलेट करना था, डिवाइड करना था 365 से, फिर रेट से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड बाय 100। इस तरह का करेंगे आप तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और ये भी फ्रैक्शन में था, जैसे इस तरह का जो जिससे भी कट जाइए 365 इंटू यहाँ पर कोई वैल्यू एक्स, यहाँ पर कोई वैल्यू एक्स, इस तरह का एक्स और वाई वैल्यू था। तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा था तो क्वेश्चन आसान था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगर इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे आप तो 22-23 आराम से डुएबल थे। तो मैथ छूटना नहीं चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस तरह क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था, जिसे ए इक्वल्स टू 1/(a-√6)। इस तरह क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे, तो आप उसे रिवर्स करके फ्रैक्शन ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³ पूछा जा रहा था, और टाइम नंबर का ट्रेडिशनल क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिले थे। सो आप नए तो नहीं पढ़ना, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया आप उसे जरूर देख लेंगे एक बार, क्योंकि नया आप कितना ही पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत सारा है, उसे रिवाइज कर लेंगे। वह क्या एवरेज था, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज टेस्ट था जो बहुत आसान था, और एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा नया ऑप्शंस देखने को मिला था। इसमें फोर्थ ऑप्शन लिखा था, कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव और नॉट, और तीन ऑप्शंस में पैसिव कन्वर्टेड कन्वर्ट किया हुआ था। सो अब इसे एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि अगर वो कन्वर्ट नहीं होने वाला होगा तो उस पर भी टिक लगाना है। सबका पैसिव कन्वर्ट होता भी नहीं हर एक्टिव का। और एरर फाइंडिंग एवरेज था, और अगर आपको प्रैक्टिस किया हुआ तो आसान था एरर फाइंडिंग। और जंबल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, सो एवरेज था। अगर चारों सेंटेंस को एक साथ पढ़ रहे थे तो आपको सीक्वेंस पता चल जाता कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आने वाला है। जैसे इट दिस वर्ड आ जाए सेंटेंस के पहले में तो इसको स्किप कर देना है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, थैंक्स एंड सब्सक्राइब।